तो हेलो GTA 5 लवर्स, तो कैसे हैं आप लोगों को दोस्तों, एक और नए GTA 5 के गेम प्ले में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे लड़ाई बाज गई है माइकल के घर में। तो हमें उसको जो टेनिस कोच है, जो इसकी वाइफ के टेनिस कोच है, उसका पीछा करना है। तो उससे पहले फटाफट वीडियो को लाइक कर दो, लाइक में 50 लाइक है और हमने ट्रक में आ चुके और हमें फॉलो करना है उस कोच को। तो जैसा कि आप देख सकते हो मैप में जो रेड रेड ब्लिंक कर रहा है वो कोच है और यहाँ पे हम गाड़ी लेके निकल चुके हैं उसके पीछे। आप लोगों ने अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, लाइक एम 50 है। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि बहुत सारे भाई लोग चैनल पर आते हैं, वीडियो को देख रहे हैं पर चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो। और GTA 5 के और भी वीडियोज़ हमने बनाई, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप लोगों को हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट देखने को मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग ज़रूर हमारे और भी GTA 5 के वीडियोज़ देख सकते हो, क्रिकेट 24 के वीडियोज़ देख सकते हो। फिलहाल इस वीडियो की बात करें तो जैसा कि आप देख सकते हो चेज ऑन है, हमें उसका पीछा करना और हम लोग दबा के पीछा कर रहे हैं। और आप लोगों ने लाइक नहीं किया तो कर देना। तो यहाँ पे हमें बोला कि आपका पीछा करना और हम लोग पीछा कर रहे हैं यहाँ पर धड़ाधड़, ठीक है। और जैसा कि आप लोग देख भी पा रहे हैं यहाँ पे काफ़ी बढ़िया तरीके से अपन पीछा कर रहे हैं और लगभग हम जहाँ पे वो रुका है उसके घर के पास आ चुके हैं। तो यहाँ पे देखते हैं अब हमें क्या करने के लिए बोला जाएगा। माइकल और फ्रैंकलिन दोनों एक साथ हैं यहाँ पे और ऊपर वो बंदा भी हमें देखने को मिल रहा है जो कि हमारे घर से भागा था, जो टेनिस कोर्ट था। तो यहाँ पे हमें गाड़ी रोकने के लिए बोला गया, यहाँ पे हम गाड़ी रोक चुके हैं। अब देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। कट सीन्स काफ़ी ओपी लग रहे हैं यहाँ पे और माइकल की और उस बंदे की काफ़ी तगड़ी बातचीत हो रही है यहाँ पे, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ दोनों के बीच में काफ़ी बहस हो रही है। फ्रैंकलिन आराम से सुन रहा है और माइकल उसको धमकी दे रहा है कि अगर तू नीचे नहीं आया तो हम लोग तेरा घर तोड़ देंगे। जैसा कि आप देख भी सकते हो फ्रैंकलिन जा रहा है रस्सी लेके, उसकी जो बम्बू निकली हुई है ना घर पे, उस पर फंसा के उसको गिराने के लिए है। वो भाई काफ़ी अलग ही मज़ा है यहाँ पे। तो वो बंदा भी नीचे नहीं आ रहा है जो कि हमारा चड्डी मैन है, चड्डी पहन के खड़ा है वो ऊपर, बट वो नीचे नहीं आ रहा है, वो भी ढीट है। तो कोई गल नहीं, वो भी ढीट है तो हम भी ढीट है। फ्रैंकलिन ने यहाँ पर रस्सी बांध दी है और माइकल को बोल रहा है कि भाई अब तो गाड़ी स्टार्ट करो और खींच। अच्छा, इसीलिए हम लोग ट्रक लेके आए हैं यहाँ पर ताकि इसको घर भी तोड़ सकें। तो देखते हैं, और जो उसके साथ हमें जो लड़की है उसने किसी को फ़ोन मिला दिया, मुझे लग रहा है वो अपने बंदे वगैरह बुला रही है, बट कोई नहीं, अगर लड़ाई बाजेगी तो मज़ा आएगा। GTA 5 में तो लड़ाई का अलग ही मज़ा है। तो यहाँ पे माइकल ने ताली वगैरह बजा दी है और अब यहाँ पे होने वाला है धमाका। माइकल बढ़ रहा है गाड़ी की तरफ और देखते हैं क्या हम इसका घर को तोड़ पाएंगे कि नहीं। माइकल जा रहा है गाड़ी में, बैठेगा ट्रक में और फ्रैंकलिन ऑलरेडी बैठ चुका है, अब आएगा मज़ा। और यहाँ पर हमें बोला गया है एक्सेलरेट देने और हम दे रहे हैं और भाई घर सच में खींच रहा है इसका। ओ भाई टूट भी रहा है गाइस घर, यहाँ पे काफ़ी मज़ा आ रहा है। ओ भाई गया ऐसा घर तो भाई दम ला के खींच रहे हैं हम, बस थोड़ा सा और झटका आते ही टूट जाएगा इसका घर। भाई गया इसका तो इतना बड़ा जो बेहतरीन घर था वो यहाँ पर टूटने वाला है दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हो। एक लाइक ज़रूर करना एडमिशन के लिए। और यहाँ पे पूरा घर ही टूट गया है और कट सीन्स तो ओपी है भाई, जैसा कि तुम देख रहे हो काफ़ी बेहतरीन कट सीन है, पुर्जा लग कर दिया ऐसे घर का हमने, बेहतरीन भाई। और यहाँ पे पूरा घर हमने तोड़ दिया है उसका। तो चलो हमारा ये काम तो हो गया है, अब बढ़ते हैं आगे। माइकल चलाएगा गाड़ी, चलो भाई गाड़ी स्टार्ट करो और निकलो यहाँ से, कोई गल नहीं, ठीक है। ये लोग आपस में बात कर रहे हैं कि हमने उसका घर तो तोड़ ही दिया, हमारा बदला बुरा हुआ है। तो हम लोग चलते हैं, फ्रैंकलिन और माइकल ये दोनों आपस में डिस्कशन करते हुए कि अब कुछ तो करना नहीं है, तो इससे पहले कोई उसकी दुश्मन आए उससे पहले हम गाड़ी लेके निकल चलते हैं। तो माइकल के घर हमें जाना है, तो चलो गाड़ी हमने स्टार्ट कर दी, अब चलते हैं आराम से। मुझे बस इस चीज़ का डाउट हो रहा है कि उस लड़की ने किसी को फ़ोन किया था वो कब तक आएगा, और जिस बंदे का जो टेनिस कोच है उसका कॉल आया वो ये कह रहा है कि तुमने जिसका घर तोड़ा वो मेरा घर नहीं था, वो किसी और का घर था। तो एक बहुत बड़ा स्कैम हो गया है माइकल और फ्रैंकलिन पे और वो अपने बंदे ही भेज रहे हैं इनको मारने के लिए। भाई ये टेनिस कोच तो सही खेल गया, हमने किसी और का घर तोड़ दिया और यहाँ हो जाएगी दिक्कत मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं, क्योंकि वो धमकी दे रहा है वो उनको जान से मारने की। तो देखते हैं, अभी तो कोई हमारे पीछे आगे नहीं है, मैं सीधा माइकल के हाउस जाना है। तो देखते हैं यहाँ पे क्या होता है और हम इजीली यहाँ पे निकल भी रहे हैं माइकल के हाउस की तरफ, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे दिखने। ओ भाई, और यहाँ पे पीछे हमें दिखने को मिल रहा है दो गाड़ियाँ, तीन गाड़ियाँ हमारे पीछे हैं और वो गोलीबारी भी चला रहे हैं, जैसा कि आप देख सकते हो भाई फायरिंग चालू हो गई है। तो हमें बस गाड़ी भगाना है यहाँ से, इधर बच के निकलना है। ओ भाई ठोक भी रहे हैं ये तो। अच्छा, गेम हमें बोल रहा है स्विच करने, या तो आप माइकल बने रह सकते हो या गोली चलानी है तो फ्रैंकलिन बनना पड़ेगा। थोड़ी देर गाड़ी चलाते हैं उसके बाद फ्रैंकलिन में बनेंगे अपन, क्योंकि गोली से हमें इनको मारना पड़ेगा नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। भाई काफ़ी बढ़िया पसंद हो रहा है ये अभी तक, अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना, इतने
बढ़िया मिशन दिखा रहा हूँ मैं आप लोगों को भी हिंदी में। और यहाँ पर मुझे लग रहा है मुझे स्विच करना पड़ेगा, ठीक है फटाफट फ्रैंकलिन पर स्विच करते हैं और इन लोगों को गोली से मारते हैं, नहीं तो खुद आएगी दिक्कतें। चल भाई माइकल गाड़ी चला तो बस, और फ्रैंकलिन तो चला गोली, अपन चला रहे हैं गोली यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हो। फाइट काफ़ी ओपी, बट अभी तो किसी को लगा नहीं है मुझे ऐसा लग रहा है। दो दो गाड़ी अभी भी आ रही है हमारे पीछे, उनको मारना पड़ेगा भाई। काफ़ी ज़्यादा फायरिंग हो रही है, हम भी कर रहे हैं भाई। वो तो लोगों को उड़ाते उड़ाते आ रहे हैं, पुलिस कहाँ है? पुलिस ऐसे जगह पर क्यों नहीं आती है भाई? अगर हम कोई जुर्म करें तो पुलिस आ जाती है। अब ये लोग इतना ज़्यादा जुर्म कर रहे हैं तो पुलिस नहीं आ रही, कमाल है भाई। ये भी गेम में भी ना फ्रॉड हो रहा है मुझे लग रहा है GTA 5 में। ओ भाई एक को तो गोली लगी यहाँ पे, गाड़ी वाला भी घायल है। हाँ ये तो गया, उसको तो एक को तो हमने मार दिया। नहीं नहीं वो जिंदा हो गया, वापस आ रहा है भाई, मुझे लगा मैंने मार दिया। चल भाई मर जा। ये जो पास वाला है तो गोली एम लगा के भाई मारना काफ़ी मुश्किल हो रहा है, ट्राई कर रहा हूँ मैं। अरे ठोका 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 गया, एक तो गया भाई, एक ही बचा है। उसको काफ़ी गोली मारी हमने, इसके भी हम टायर फोड़ देंगे मार मार के। ओ भाई हेल्थ बिल्कुल नहीं बची है भाई, भगाना पड़ेगा गाड़ी को, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी यहाँ पे। और माइकल गाड़ी भगा भी रहा है। हाँ इसकी भी गाड़ी फूट गई लगभग, एक और कार वाला बचा है, बस इसको और हराना है हमें जैसे तैसे। चलो भाई सारे मिशन हो गए कंप्लीट, हमने सबको हरा दिया यहाँ पे। अब आराम से गाड़ी को लेके जाना है माइकल के घर पे, कोई दिक्कत नहीं है। ये लोग मुंडा लोग भाग चुके हैं। तो ये जो मिशन था इसका नाम था मैरिज काउंसलर, तो ये भी लगभग कंप्लीट हो चुका है। तो अगर आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना, लाइक एम 50 लाइक्स है। चैनल पर अगर सब्सक्राइब कर देना अगर अभी तक नहीं किया तो, क्योंकि बहुत सारे भाई लोग आ रहे हैं चैनल पर वीडियो को देख रहे हैं बट लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं कर रहे हैं, तो ज़रूर लाइक सब्सक्राइब शेयर कर देना। एक एक लाइक से कुछ भी नहीं घटता, ठीक है दोस्तों। और जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो हम लोग यहाँ माइकल के घर पे आ चुके हैं और लगभग ये मिशन कंप्लीट हो चुका है। अब ये कट सीन से कुछ है, आप लोग एंजॉय करो। यहाँ पे कुछ गुंडे लोग आने वाले मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि उस लड़के के साथ वाले और जो माइकल को यहाँ पे पीटेंगे देखते हैं यहाँ पे। जी हाँ दोस्तों मेरा अंदाजा सही था, ये गाड़ी आई है गुंडा भर के और उसमें तीन चार लोग हैं। तो दोस्तों ये मिशन लगभग कंप्लीट हो चुका है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल पर सब्सक्राइब करना और ये कट सीन्स आप लोग एंजॉय करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। आई नो हु यू आर, आई नो वेयर यू लिव, हु आर यू? आई एम फ्रैंक लाइसेंस। नाउ फ्रैंकलिन, मेबी हेल्प मिस्टर डेसांटा हियर, हु एम आई? I think Martin Madrazo. Good boy. Now maybe give him a little of a background. Man, Mr. Madrazo is a legitimate businessman who was wrongfully accused of running a Mexican-American gang and a narcotic ring, but the charges were dropped because of the witnesses came up missing. Smart kid. Now, Michael, got a question for you. Did you pull an architectural, significant, modernist wonder home down the hillside in Vinewood Hills? I thought the owner was banging my wife. Well, that was a strange house for a tennis coach. I wasn't thinking straight. Clearly. Yeah. Well, Natalia will need a hotel while you finance the rebuild, won't she? Sure. Good. And I'm guessing here that the rebuild will be somewhere in the 2.5 million range? Of course. Great. That's nice. Come on, man. Damn, you all right? Never better. So what now? Looks like I'm gonna have to postpone my retirement. Fuck. Ah, man, I'm mortgaged up to my eyeballs. Look, I only know one way to make money. I'm gonna have to give an old friend a call. Lester. I think he's in town somewhere. I'm gonna have to track him down. Just give me a little alone time, all right?
आई दा